हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सेंसोडाइन टूथपेस्ट का फुल रिव्यू। ऐसे तो मेरा आज किसी भी मेडिसिन का रिव्यू देने का कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि आज का जो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। सो अभी घर पर आया तो मैंने देखा सेंसोडाइन टूथपेस्ट है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू दे दिया जाए। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को दांत में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, या काफ़ी लंबे टाइम से इनको दांत की प्रॉब्लम है। बहुत से टूथपेस्ट यूज़ कर चुके हैं, लाइक डेट से हिमालय का हो गया, मैनकाइंड का हो गया, इमो फार्म हो गया, मंजन हो गया, ऐसी बहुत सी चीज़ें वो यूज़ कर चुके हैं पर इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो वो लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, उनके लिए कुछ ऐसे टिप्स मैं बताऊँगा जो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और कुछ घरेलू नुस्खा मैं एक दो बताने वाला हूँ आप लोगों को। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको मेरी तरफ से तो काफ़ी आराम मिलने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात करता हूँ सेंसोडाइन टूथपेस्ट की, तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी टीवी में काफ़ी ऐड आता है, इसके बारे में काफ़ी बढ़िया ऐड आता है तो लोगों को पता है। तो नॉर्मली मैं बता दूँ, जो इसको मेनली जो यूज़ किया जाता है सेंसिटिविटी के लिए किया जाता है, वो चाहे गर्म पानी से हो, ठंडे पानी से हो, या चाय से हो, या चीली से, या कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे आपको सेंसिटिविटी होती है, झनझनाहट होती है दांतों में बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए मेनली इसको यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ करने के बाद जैसे आपके माउथ से जो बदबू आती है वो भी ख़त्म हो जाती है काफ़ी हद तक। और बात करें, अब बात आती है, कई लोग कहते हैं मैंने सर इसको यूज़ कर लिया, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ज़रूर ऐसा भी कई कंडीशन आती है, कई पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं हमने इसको यूज़ किया, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे का फ़ायदा नहीं है, तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं। पर बात की जाए और भी इसके साथ के जो मार्केट में मिलते जुलते प्रोडक्ट हैं, लाइक डैट जैसे हिमालय कंपनी का आता है, मैनकाइंड कंपनी का आता है, इमो फार्म करके आता है, और भी बहुत से मंजन है जो इससे ही मिलते जुलते हैं प्रोडक्ट। तो देखा जाए सबका अपना अलग अलग वर्किंग है और अपना अलग अलग इफ़ेक्ट दिखाते हैं, हर किसी को ऐसे नहीं है हर चीज़ सूटेबल हो टूथपेस्ट। और बात की जाए ये आपको कैसे पता लगेगा आपके लिए कौन सी टूथपेस्ट बेस्ट है जो आपको रिलीफ दे पेन से हो गया, या आपके जो बीमारी है या जो दांत में कीड़े लगे उसके लिए। फ्रेंड्स, मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगी, अगर आपको कोई दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप अपने डेंटल डॉक्टर को चेकअप कराइए, बीडीएस डॉक्टर को, ताकि वो आपकी जो दांत को चेकअप करे और आपकी जो डिजीज़ है या जो आपके दांत में कीड़ा लगा है किस वजह से है, या स्वेलिंग आ रही है किस वजह से आ रही है, तो वो चेकअप करने के बाद पर्टिकुलर आपको एक टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा जो आप ले सकते हैं। और बात करें जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो जो उनकी टूथपेस्ट होती है मेडिकेटेड होती है स्पेशली, जैसे कि देखा जाए जो हमारे दांत के ऊपर जो परत होती है, कई लोगों की परत ख़त्म होने लगती है, तो ये सब टूथपेस्ट इस चीज़ों को नहीं पूरा कर पाता, तो उनके पास स्पेशली होती है ये टूथपेस्ट। तो कंडीशन देखते हैं उसके बाद इस चीज़ को प्रिस्क्राइब करते हैं, ये डेंटल डॉक्टर को ही पता होता है, क्योंकि दांत से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अब इतना ज़्यादा तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो शॉर्ट में आप लोगों को मैं बताऊँ, अपने डेंटल डॉक्टर को चेकअप कराइए और इससे जो बेस्ट टूथपेस्ट होता है वो प्रिस्क्राइब करवा लीजिए, जो आपके लिए बेस्ट होगा या आपको एडवाइस कर देगा। ये तो हो गया आपको जो मेरी तरफ से एडवाइस था, और एक जो टिप्स मैं बताने वाला था फ्रेंड्स वो टिप्स ए है जो मैंने खुद इसको अप्लाई किया हुआ है, और लोगों को जिन लोगों ने किया उसका उसने मतलब वो लोग मेरे को इसका बेनिफिट बताते हैं। वो क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा फिटकरी तो ये आपको हर जगह मिल जाएगी, हर किराने की दुकान पर आप कहीं भी कह सकते हैं आपको मिल जाएगी। आप आधा ग्लास पानी लीजिए, इसमें थोड़ा सा टुकड़ा फिटकरी का डाल के इसको डिसॉल्व कर लीजिए, या इसको पीस के डाल लीजिए, देन इसको इसे आपको माउथ में डाल के एक मिनट तक या कुछ सेकंड तक इसको मुंह में रखना है। रखने के बाद आप इसको बाहर थूक दीजिए, अगर अंदर भी चल जाता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है फ्रेंड। इसको आप दिन में 2-3 बारी करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ होगा, बहुत ही ज़्यादा। या ये आपके दांत में कीड़े लगे हों, या आपके दांतों में सूजन हो, मसूड़ों में सूजन हो, पेन होती हो बहुत ज़्यादा, अगर इस प्रोसीजर को आप 2-3 दिन करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। और जो लोग कंटिन्यूसली 1-2 हफ्ते कर गए, तो इनको मेरी ओर से डैम श्योर है, मेरी तरफ से 50% इनको आराम तो मिलना है। बाकी आप जो ट्रीटमेंट साथ में कर रहे हैं तो करते जाइए, जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है ये आप साथ में करते जाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपको, जो फिटकरी और गर्म पानी का है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और नहीं तो आपको ये ज़्यादा बेनिफिट देगा, जो आपके मुंह से जो बदबू निकलेगी या जो गम्स कह सकते हैं इसको ख़त्म करेगा ये। देखा जाए तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और भी आपको जो गम्स के लिए या मुँह में जो बदबू आती है उसके लिए आपको माउथ वॉश दे देते हैं, गार्गल आती है, और भी चीज़ें बहुत सी आती हैं। जो घरेलू नुस्खा जो नहीं ले आ सकते या ऐसा कुछ है, इस चीज़ को ट्राई करें,
आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा, मैंने किया है खुद। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कुछ आज मेरा कोई स्पेशल नहीं था कोई मैं रिव्यू दूँ। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। और बात की जाए फ्रेंड्स, आज के लिए उतना ही। अगर आपका कोई भी लाइक या आपके मतलब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, जवाब है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। या किसी को कोई मेडिसिन का रिव्यू चाहिए या मेडिसिन के बारे में पूछना है, नहीं पता है इनको, कमेंट करिए। मैं अपनी तरफ से जितना भी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा।